नमस्कार दोस्तों, पश्चिम बंगाल के गोपालपुर में पिछेत्री सीमा सुरक्षा बल में तैनात ग्राम पंचायत गोपालसर के गांव लालगढ़िया के बीएसएफ जवान राजेश कुमार बांबू का पार्थिव देह शुक्रवार देर रात करीब 1 बजे सिटी पुलिस थाना में पहुंचा। शनिवार सुबह करीब 8:15 बजे फूल मालाओं से सजे खुले कैंटर में शहीद हुए जवान के पार्थिव देह को लेकर उनके परिजन व बीएसएफ के जवान उनके पैतृक गांव के लिए रवाना हुए। इस दौरान विधायक और कड़ी गणमान्य लोगों ने पुष्प चक्र चढ़ाकर वीर जवान को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। जानकारी के अनुसार शहीद जवान राजेश बांबू का गांव लालगढ़िया में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। गौरतलब है कि बीएसएफ के जवान राजेश कुमार बांबू मनीराम बांबू गुरुवार सुबह ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से शहीद हो गए थे। जवान की पार्थिव देह शनिवार देर शाम को हेलीकॉप्टर के जरिए सूरतगढ़ वायुसेना स्टेशन पहुंची। इसके बाद पार्थिव देह को सिटी पुलिस थाना के लिए रवाना कर दिया गया। शहीद राजेश बांबू किसान परिवार से थे। उनके पिता मनीराम बांबू खेती किसानी करते हैं। दो भाइयों में वह सबसे बड़े थे। बचपन से ही देश सेवा का जज्बा था। उनका साल 2013 में बीएसएफ में सिलेक्शन हो गया था। 2014 में उनकी शादी हुई थी। 2 महीने पहले वह छुट्टी पर गांव आए थे। जैसे ही वीर बलिदानी का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा तो पूरे सैन्य सम्मान के साथ वीर बलिदानी का दाह संस्कार कर दिया गया। जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा की। जैसे ही वीर बलिदानी का पार्थिव शरीर गांव के चौराहों से गुजरा तो स्कूली बच्चों ने हाथों में राष्ट्रध्वज लेकर अमर रहे वीर बलिदानी, अमर रहे के नारे लगाए। पूरे सैन्य सम्मान के साथ वीर बलिदानी का दाह संस्कार कर दिया गया। यह नज़ारा देखकर पूरा वातावरण गूंजमयन हो गया। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि वीर बलिदानी की आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। कि खुशनसीब होते हैं वो लोग जो वतन पे मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ तुम्हें सलाम ऐ वतन पर मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में बसता तिरंगे का मान है। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी नई किसी अपडेट के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।